महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 30 मई को सोमवती अमावस्या है। इस दिन वट सावित्री अमावस्या है, वट सावित्री का व्रत है। सोमवार के दिन होने के कारण यह सोमवती अमावस्या है। 30 मई को कृष्ण पक्ष जेठ माह की अमावस्या है और इस दिन शनि जयंती भी है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यानी चार बड़े संयोग है इस दिन। गाय को एक आप छोटी सी चीज़ भी अगर खिला देती हैं इस दिन, तो आप रोड़पति से करोड़पति हो जाएंगे। पुराने से पुराना और बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपसे मुक्त होगा, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको एक छोटी सी चीज़ मात्र गौ माता को खिलानी है इस दिन, और आपसे जितना बन सके आप उस दिन दान करें अपने पूर्वजों के नाम से, ताकि आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सके और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आपको क्या करना है? आपको सुबह के समय आप जब गाय के लिए एक रोटी बनाएं, अपने मंदिर में सबसे पहले तो आप साफ़ सफाई करें, दिया प्रज्वलित करें। उसके बाद में अपने रसोई घर में थोड़ा सा आटा ले और गुड़ और चने की दाल, थोड़ी सी चने की दाल को आप भिगो दे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप उस आटे में या तो चने की दाल और गुड़ मिलाकर भी रोटी बना सकते हैं, पर नमक नहीं मिलाना है उस आटे में आपको। या रोटी बना लें, उसके बाद थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ उसमें रोटी में रख कर गौ माता को आप खिला दें। गौ माता के चरण स्पर्श करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण करें और आपको पितृदोष से इस दिन मुक्ति दिलाएं। साथ ही पीपल के वृक्ष में आपको इस दिन जल अर्पित करना है। जितनी हो सके 11, 21, 108 पीपल के वृक्ष और माता तुलसी की परिक्रमा करनी है। साथ ही आप अगर आप कर सकते हैं तो एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराएं। घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप उन्हें बैठाएं आसन पर, भोजन करवाएं, उसके बाद भेंट अवश्य दें, उन्हें दक्षिणा अवश्य ही दें। जितना आपसे हो सकता है आप उतनी दक्षिणा दे सकते हैं, ज़्यादा का कोई वो नहीं है। आप जितना आपकी इच्छा है आप उतनी दक्षिणा दे दें और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करें। साथ ही में आपको 5 आटे के दीपक लगाने हैं, जो अलग अलग स्थान पर लगाना है। पहला रसोई घर में आपको लगाना है, दूसरा आपको अपने मंदिर में लगाना है, तीसरा पीपल के वृक्ष में लगाना है, चौथा आपको अपने मुख्य द्वार में लगा दें। आप दक्षिण दिशा की तरफ करके भी लगा सकते हैं।